दोस्तों एक कहानी है दो अलग परिवारों की। एक होता है अमीर परिवार जो कि आलीशान घर में रहता है और काफी खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ एक गरीब परिवार होता है जो कि बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन पूरा का पूरा गरीब परिवार एक अमीर परिवार के घर में आ जाता है, और जब अमीर परिवार घूमने गया होता है तो गरीब परिवार उनके घर में बैठकर मजे कर रहा होता है। मगर फिर इनके सामने पुराने नौकरों का एक सच सामने आता है जिससे ये पूरा परिवार चौंक जाता है। लेकिन आखिर कैसे ये गरीब परिवार इस अमीर परिवार के घर में आया, और क्या अमीर परिवार इस सच के बारे में जान पाया, और इसके अलावा क्या था पुराने नौकरों का सच, जानने के लिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब परिवार को देखते हैं जिनमें चार लोग शामिल होते हैं। इनमें कीटक और उसकी वाइफ चंगसुक होती है, और इनकी बेटी कीजंग और इनका बेटा कीबू होता है। और इस पूरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होती है, इसलिए ये पूरा परिवार अपना घर चलाने के लिए पिज्जा बॉक्स बनाने का काम करता है। लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम काफी नहीं था। अब एक दिन कीवू का दोस्त मिन उसके घर कीवू से मिलने आता है। मिन कीवू के परिवार के लिए एक स्टोन लाता है जो कि उसके दादा ने कीवू के परिवार के लिए भेजा था, और उस पत्थर के बारे में ये माना जाता था कि जिसके पास भी वो पत्थर होता है उसके घर में पैसा और खुशियाँ आती है। इसके बाद कीवू मिन से बात करता है। कीवू मिन को अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है। इस पर मिन कीवू को एक लड़की दा हाई की पिक्चर दिखाता है, और मिन दा हाई का ट्यूटर होता है जो कि दा हाई को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है। लेकिन मिन अब किसी काम से देश से बाहर जा रहा होता है, इसलिए मिन कीवू से दा हाई को पढ़ाने के लिए कहता है। मगर कीवू कहता है कि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूं, तो वो मुझे जॉब कैसे दे सकते हैं। इस पर मिन कीवू से कहता है कि तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। मिन कीवू को कॉलेज स्टूडेंट होने का दिखावा करने के लिए कहता है, और कीवू की बहन कीजंग एक आर्टिस्ट होती है, इसलिए वो कीवू के लिए एक नकली डिग्री बना देती है। इसके बाद कीवू दाहाई के घर इंटरव्यू देने जाता है। दाहाई की फैमिली काफी अमीर होती है, और वो सब एक आलीशान घर में रहते हैं। इस फैमिली में चार मेंबर होते हैं, दाहाई, दाहाई के मॉम डैड और दाहाई का छोटा भाई दासोंग। इसके अलावा इस घर में एक मेड भी होती है जो कि कई सालों से इसी घर में काम कर रही होती है। ये मेड इस परिवार से पहले इस घर में रहने वाले पहले के परिवार के लिए भी काम करती थी। अब इसके बाद कीवू दाहाई की मॉम से मिलता है। फिर जब कीवू दाहाई को पढ़ाता है तो दाहाई की मॉम ये देखने के लिए कि कीवू कैसा पढ़ाता है उन दोनों के साथ बैठ जाती हैं। दाहाई की मॉम को कीवू का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, इसलिए वो कीवू को जॉब पर रख लेती हैं। इसके बाद दाहाई की मॉम कीवू का इस घर की मेड से एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराती हैं। इसी दौरान कीवू दाहाई के छोटे भाई दासोंग से मिलता है जो कि घर में खेल रहा होता है। दाहाई की मॉम कीवू को दासोंग की बनाई एक पेंटिंग दिखाती हैं और बताती हैं कि दासोंग काफी अच्छी पेंटिंग बनाता है। कीवू भी दासोंग की बनाई पेंटिंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि दासोंग एक आर्टिस्ट बन सकता है। इसके बाद कीवू यहां से अपने घर जाने लगता है। तभी दाहाई की मॉम कीवू को बताती हैं कि इस घर में दासोंग को पेंटिंग सिखाने के लिए कई सारे आर्ट टीचर आ चुके हैं, लेकिन कोई भी दासोंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब ये सब सुनकर कीवू को एक आइडिया आता है। वो दाहाई की मॉम को बताता है कि वो एक आर्ट टीचर को जानता है जो कि दासोंग को पेंटिंग सिखा सकती है। कीवू कहता है कि जिस आर्ट स्कूल में मेरा कजन पढ़ता है उसी आर्ट स्कूल में वो लड़की भी है, और उसका नाम जेसिका है। कीवू उस लड़की की काफी ज्यादा तारीफ करता है, और इतनी तारीफ सुनने के बाद दाहाई की मॉम कीवू से जेसिका को यहाँ लाने के लिए कहती है ताकि जेसिका दासोंग को पेंटिंग सिखा सके। इसके बाद अगले दिन कीवू अपनी बहन कीजंग को जेसिका बनाकर यहाँ लाता है। यानी जेसिका असल में कोई नहीं थी, कीवू ने अपनी बहन को इस घर में जॉब दिलाने के लिए झूठ बोला था। और अब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। कीवू कीजंग को जेसिका बनाकर दाहाई की मॉम से मिलवाता है। इसके बाद कीवू दाहाई को पढ़ाने चला जाता है। दाहाई की मॉम कीजंग यानी जेसिका से बात करती है, और फिर जेसिका दासोंग को सिखाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। कीजंग अकेले में दासोंग को पढ़ाती है, और फिर बाद में दासोंग की पेंटिंग दिखाते हुए उसकी मॉम को आर्ट थेरेपी के बारे में बताती है जो कि खुद कीजंग ने गूगल से पढ़ा होता है। लेकिन दाहाई की मॉम जब वो सब सुनती हैं तो जेसिका को दासोंग की आर्ट टीचर के रूप में जॉब पर रख लेती हैं। अब यहां रात हो जाती है और दाहाई के डैड भी घर आ जाते हैं। दाहाई की मॉम जेसिका यानी कीजंग को दाहाई के डैड से मिलवाती हैं और बताती हैं कि ये दासोंग की आर्ट टीचर हैं। अब क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए दाहाई के डैड अपने ड्राइवर से जेसिका को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहते हैं। कीजंग जब अपने घर जा रही होती है तो वो ड्राइवर से कहती है कि मुझे ट्रेन स्टेशन के पास छोड़ दो, क्योंकि जेसिका नहीं चाहती कि ड्राइवर को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता चले। अब यहाँ जेसिका को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो इस ड्राइवर को नौकरी से हटवा कर इसकी जगह अपने डैड को नौकरी दिलवा दे। इसलिए जेसिका एक प्लान बनाती है और वो अपनी पैंटीज कार में छोड़ देती है। ड्राइवर ये सब नहीं देख पाता, और अगले दिन जब दाहाई के डैड को उसकी कार में वो पैंटीज मिलती है तो उन्हें शक हो जाता है क्योंकि ड्राइवर का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इसलिए वो अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है। कीजंग ये सब सुन रही होती है, और फिर कीजंग दाहाई के मॉम डैड के सामने आती है क्योंकि दासों की क्लास खत्म हो चुकी थी। इसके बाद दाहाई की मॉम जेसिका से उसी रात के बारे में पूछती है जब उनका ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने गया था।
जेसिका यानी कीजंग दाहाय की मॉम को बताती है कि वो ट्रेन स्टेशन पर उतर गई थी। कीजंग कहती है कि ड्राइवर उसे बार बार उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कह रहा था। इससे अब दाहाय की मॉम को ड्राइवर पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। कीजंग दाहाय की मॉम से पूछती है कि क्या उस ड्राइवर के साथ कुछ हुआ है, जिसके बाद दाहाय की मॉम कीजंग से कहती है कि अब वो ड्राइवर यहाँ काम नहीं करेगा। ये सुनकर कीजंग कहती है कि मैं एक अच्छे ड्राइवर को जानती हूँ। कीजंग उस ड्राइवर की काफी ज्यादा तारीफ करती है और ये सुनकर दाहाय की मॉम उस ड्राइवर को मिलवाने के लिए कहती है। इसके बाद कीजंग और कीवू अपने डैड को वैसे ही कार दिखाते हैं जैसे कि दाहाय के डैड के पास है और उस कार के बारे में सब कुछ बताते हैं। और क्योंकि इनके डैड ने पहले भी ड्राइविंग का काम किया था, इसलिए वो सब कुछ आसानी से समझ जाते हैं। इसके बाद इनके डैड वही ड्राइवर बनकर दाहाय के डैड के ऑफिस में जाते हैं। दाहाय के डैड कीटक को ड्राइवर की जॉब पर रख लेते हैं और अब ये पूरा परिवार इस घर की मैट को नौकरी से निकलवा कर उसकी जगह अपनी मॉम चोंगसू को जॉब दिलवाने के बारे में सोचते हैं। ये पूरा परिवार प्लान बनाकर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। कीवू के डैड स्क्रिप्ट को अच्छे से याद करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें दाहाय की मॉम से क्या कहना है। इसके बाद कीवू को पता चलता है कि इस घर की मैट को पीच के पाउडर से एलर्जी है और वो सब इसी चीज का फायदा उठाते हैं। मैट जब डॉग के साथ खेल रही होती है तो कीजंग उसके ऊपर पीच का पाउडर डाल देती है, जिससे मैट को बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है। और फिर जब वो हॉस्पिटल जाती है तो कीजंग के डैड हॉस्पिटल जाकर मैट की एक फोटो ले लेते हैं। इसके बाद जब दाहाय की मॉम उनके साथ शॉपिंग करने जाती है तो कीजंग के डैड मैट की हॉस्पिटल वाली पिक्चर दाहाय की मॉम को दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने मैट को हॉस्पिटल में देखा था। कीजंग के डैड दाहाय की मॉम को बताते हैं कि मैट किसी से बात कर रही थी। वो कहते हैं कि मैं उनकी बात सुनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उनकी बात सुन ली और वो किसी से कह रही थी कि उन्हें टीबी हो गई है। ये सुनकर दाहाय की मॉम हैरान हो जाती है। इसके बाद जब दाहाय की मॉम घर वापस आती है तो कीजंग के डैड कीजंग को मैसेज करके बताते हैं कि हम घर आ चुके हैं। और फिर कीजंग पीच का पाउडर फिर से मैट के ऊपर डाल देती है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। और दाहाय की मॉम ऊपर आते वक्त मेड को खांसता हुआ देख लेती हैं। मेड एक टिश्यू इस्तेमाल करती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है। ड्राइवर उस डस्टबिन के पास जाता है और उस टिश्यू के ऊपर सॉस गिराकर दाहाय की मॉम को दिखाता है और ये देखकर दाहाय की मॉम उसे खून समझती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी मेड को टीबी है। और फिर दाहाय की मॉम ड्राइवर से अकेले में बात करती हैं और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो मुझ पर काफी गुस्सा हो जाएंगे कि मैंने एक टीबी के मरीज को घर में रखा है। और फिर दाहाय की मॉम उस मैट के सामने बिना टीबी का जिक्र किए उसे नौकरी से निकाल देती है। आखिर में ये सब अपनी मॉम को इस घर में मैट के रूप में जॉब दिलवा देते हैं और ये पूरा परिवार अब इस अमीर परिवार के घर में झूठ बोलकर जॉब पर लग गया होता है। और ऐसे ही कई दिनों तक ये सब यहाँ अपनी आइडेंटिटी बदलकर काम करते हैं। इनके हालात अब पहले से काफी ज्यादा बदल जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन दासोंग उनके ड्राइवर यानी कीजंग के डैड से आने वाली स्मेल को नोटिस करता है और कहता है कि हमारी मैड और जेसिका तीनों के अंदर से एक जैसी स्मेल आती है। अब ये सुनकर कीजंग कीवू और इनका पूरा परिवार ये सोचते हैं कि इन्हें अपना अपना अलग अलग सोप यूज करना होगा। लेकिन फिर ये सब बात करते हैं कि इनके अंदर से आने वाली स्मेल इस जगह की है जहाँ ये रहते हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब दाहाय और उसकी पूरी फैमिली घूमने जाती है तो कीवू और उसका पूरा परिवार इस घर में बैठकर मजे कर रहे होते हैं और बाहर हो रही बारिश को देखते हैं। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। चोंगसुक जाकर देखती है तो यह घर की पुरानी मेड होती है। वो कहती है कि मैं अपना कुछ सामान यहाँ भूल गई थी और उसे वापस लेने आई हूँ। इसके बाद बाकी सब छुप जाते हैं और चोंगसुक पुरानी मेड को घर के अंदर आने देती है। वो मेड घर के बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन काफी देर होने के बाद जब वो ऊपर नहीं आती तो चोंगसुक बेसमेंट में जाकर देखती है और वो देखती है कि पुरानी मेड एक कबर्ड को धकेल रही है, लेकिन वो कबर्ड उससे हिल नहीं रही होती क्योंकि उसके नीचे कुछ फंसा होता है। चोंगसुक उसे निकाल देती है, जिससे वो कबर्ड अपनी जगह से हट जाती है और उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा होता है जो कि घर के अंदर बने एक खुफिया रूम तक जाता है। पुरानी मेड तुरंत उस रूम की तरफ चली जाती है। चोंगसुक भी उसके पीछे वहां जाती है और देखती है कि यहाँ इस रूम में एक आदमी है जो कि छुपकर यहाँ रह रहा है। पुरानी मेड चोंगसुक को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। वो कहती है कि दाहाय की फैमिली को घर के इस खुफिया रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब घर के पुराने मालिक ने दाहाय की फैमिली को ये घर बेचा तो उन्होंने दाहाय की फैमिली को इस रूम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और इस बात का फायदा उठाकर घर की पुरानी मेड अपने हस्बैंड को यहाँ छुपकर ले आई और लगभग 4 सालों से वो छुपकर यहीं रह रहा है। लेकिन अब चोंगसुक को ये सब पता चल चुका है और वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है। पुरानी मेड चोंगसुक के आगे हाथ पर जोड़ती है और कहती है कि ऐसा मत करो, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा भी है और इसी वजह से उसके हस्बैंड यहाँ छुपकर रह रहे हैं। लेकिन चोंगसुक पुरानी मेड की बात नहीं मानती और पुलिस को कॉल करने वाली होती है। मगर तभी बाकी सब जो कि सीढ़ियों के पास खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे, उनका पैर फिसलता है और वो सब नीचे आकर गिर जाते हैं। तब कीवू अपने डैड को डेड कहकर पुकारता है और ये सुनकर पुरानी मेड सब कुछ समझ जाती है कि ये सब एक फैमिली है। पुरानी मेड तुरंत इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें कीवू अपने डैड को डेड कहकर कुछ कह रहा होता है। और फिर पुरानी मेड कीजंग और उसके पूरे परिवार को वो वीडियो दाहाय के डैड को सेंड करने की धमकी देती है और उनसे अपनी बात मानने के लिए कहती है। पुरानी मेड अपने हस्बैंड को बंकर से बाहर लाती है, लेकिन ऊपर आने के बाद कीवू की पूरी फैमिली इनसे वो फोन छीनकर वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है, जिससे इन सबके बीच में अब लड़ाई होने लगती है और वहाँ रखा सारा सामान फैल जाता है। तभी घर का फोन बजता है और ये सब अलर्ट हो जाते हैं।
चंगसुक जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ दा हाई की मॉम होती है। वो चंगसुक से कहती है, हम जहाँ घूमने जा रहे थे वहाँ तेज बारिश होने की वजह से अब हमारी ट्रिप कैंसिल हो चुकी है, इसलिए हम सब घर वापस आ रहे हैं, तुम खाना बनाकर रखो। ये सुनकर चंगसुक तुरंत खाना बनाने में लग जाती है। किवू, कीजंग और उसके डैड मिलकर तुरंत सफाई करते हैं और पुरानी मेड और उसके हस्बैंड को पकड़कर वापस घर के बंकर में ले जाते हैं। लेकिन इन सबके घर से बाहर निकलने से पहले ही दहाई और उसकी पूरी फैमिली घर के अंदर आ जाती है। कीजंग के डैड घर के बेसमेंट में पुरानी मेड को पकड़कर बंकर में ले जाते हैं, मगर तभी पुरानी मेड अपने आप को छुड़ाकर ऊपर की तरफ भागती है ताकि वो दहाई की फैमिली को कीजंग और उसकी फैमिली का सच बता सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तो चंगसुक उसे धक्का देकर वापस नीचे गिरा देती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। कीजंग के डैड पुरानी मेड के हस्बैंड को बंकर में बांधकर और मेड को ऐसे ही बंकर में छोड़कर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी दहाई का पूरा परिवार नीचे आ जाता है। उन्हें देखकर कीजंग, कीवू और उसके डैड वहीं टेबल के नीचे छुप जाते हैं, जिससे ये परिवार इन्हें नहीं देख पाता। लेकिन इसी दौरान दहाई के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि यहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही है जो कि हमारे ड्राइवर के अंदर से आती है। ये दोनों बात करते हैं कि इन्हें वो स्मेल काफी अजीब लगती है, लेकिन ये सुनकर कीजंग के डैड को काफी बुरा लगता है। रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो कीवू, कीजंग और इनके डैड छुपकर घर से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और ये तीनों बारिश में भीगते हुए अपने घर तक जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिस जगह ये रहते हैं उस पूरी जगह बारिश की वजह से पानी भर चुका है और इनके घर के अंदर भी पानी आ चुका होता है। इसलिए ये तीनों मिलकर कुछ सामान उठाते हैं और एक जगह जाकर अपनी रात गुजारते हैं जहां और भी कई सारे लोग होते हैं। दूसरी तरफ वो पुरानी मेड घर के बंकर में अपने हस्बैंड के साथ बंद होती है और जब उसे होश आता है तो वो काफी तकलीफ में होती है और थोड़ी देर बाद उस मेड की डेथ हो जाती है। अपनी वाइफ की डेथ से उसके हस्बैंड को काफी दुख होता है। फिर अगले दिन सुबह कीजंग के पास दहाई की मॉम की कॉल आती है। वो कीजंग से कहती है कि आज दासों की बर्थडे पार्टी है और आप उसकी आर्ट टीचर हैं, इसलिए आपको पार्टी में आना होगा। इसके बाद दहाई के कहने पर उसकी मॉम कीवू को भी पार्टी में इनवाइट कर लेती हैं। बाद में दहाई की मॉम अपने ड्राइवर कीजंग के साथ शॉपिंग पर जाती हैं। रास्ते में जब वो गाड़ी में बैठी होती हैं तो उन्हें कीजंग के डैड के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए वो अपनी नाक पर हाथ रख लेती हैं। लेकिन ये सब देखकर कीजंग के डैड को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके साथ ऐसा बिहेव करे। अब इसके बाद जब पार्टी चल रही होती है तो कीवू अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेड और उसके हस्बैंड को मारने का डिसाइड करता है। कीवू यहाँ अपने साथ वही पत्थर लाया होता है जो कि उसे मिन ने दिया था। कीवू उस पत्थर को लेकर चुपके से घर के बेसमेंट में जाता है और बंकर के अंदर जाने के रास्ते को खोलकर बंकर में चला जाता है, लेकिन उससे वो पत्थर छूटकर नीचे गिर जाता है। कीवू नीचे जाकर उस पत्थर को उठाता है, मगर तभी मेड का हस्बैंड कीवू को एक वायर से पकड़कर बांध देता है और उसी पत्थर से उसे मारने वाला होता है, मगर कीवू अपने आप को छुड़ाकर ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन वो बेसमेंट में गिर जाता है और मेड का हस्बैंड वो पत्थर कीवू के सर पर मारता है, जिससे कीवू वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद मेड का हस्बैंड एक चाकू उठाकर पार्टी में जाता है और वहां जाकर वो कीजंग को देख लेता है। मेड का हस्बैंड वो चाकू कीजंग के मार देता है। ये देखकर चंगसुक अपनी बेटी को बचाने के लिए उस पर हमला कर देती है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। ये सब देखकर पार्टी में आए लोग भागने लगते हैं। कीजंग के डैड कीजंग के जख्मों को दबाए होते हैं ताकि ज्यादा खून ना बहे और वो अपने बेटे कीवू को भी देखते हैं जो कि दहाई के साथ होता है, मगर वो काफी जख्मी और बेहोश होता है। अब तभी दहाई के डैड कीजंग के डैड से गाड़ी की चाबी मांगते हैं ताकि वो यहाँ से निकल सकें, लेकिन चाबी देते वक्त मेड का हस्बैंड और चंगसुक बीच में आ जाते हैं, जिससे वो चाबियां वहीं गिर जाती हैं। फाइट के दौरान चंगसुक अपनी जान बचाने के लिए मेड के हस्बैंड को मार देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी कीजंग के पास जाती है। वहीं दहाई के डैड को अपनी गाड़ी की चाबियां लेनी थी जो कि मेड के हस्बैंड की डेड बॉडी के नीचे थी, और वो चाबियां उठाते वक्त उसके अंदर से आने वाली स्मेल को पसंद नहीं करते और अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। और ये देखकर कीजंग के डैड को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी अमीर इन गरीब लोगों के साथ ऐसा बिहेव करे, और अब गुस्से में कीजंग के डैड दहाई के डैड के चाकू मार देते हैं। लेकिन फिर इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने ये क्या किया, इसलिए ये तुरंत यहाँ से भागते हैं। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ अब कीजंग की चाकू लगने की वजह से डेथ हो गई होती है, मगर कीवू की जान बच गई होती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने खड़े डॉक्टर और लॉयर को देखकर मन में उनके बारे में सोचता है कि ये दोनों असल में डॉक्टर और लॉयर जैसे तो नहीं लग रहे, इन्होंने भी शायद झूठ बोलकर जॉब ली होगी, यानी कि कीवू की मेंटल कंडीशन अब खराब हो चुकी होती है। अब यहाँ दहाई और उसकी फैमिली को पता चल चुका होता है कि कीवू, कीजंग, उनका ड्राइवर और उनकी मेड सब एक फैमिली है और झूठ बोलकर उनके घर में नौकरी ली है, इसलिए अब कीवू और चंगसुक के ऊपर धोखाधड़ी का केस चलता है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दी जाती बल्कि प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। दहाई की फैमिली उस घर को बेच देती है और उस घर में एक दूसरी फैमिली रहने आ जाती है। अब इसी तरह काफी समय बीत जाता है और हमें पता चलता है कि कीवू के डैड उसी घर के बेसमेंट के बंकर में छुपकर रह रहे हैं और उस नई फैमिली को उसके डैड और उसके बंकर के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर एक दिन कीवू के डैड कीवू को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कीवू को बताते हैं कि वो बहुत मुश्किल से छुपकर इस घर के अंदर रह रहे हैं और इस नई फैमिली में भी चार लोग हैं, दोनों बच्चे हैं जो कि स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड वाइफ अपनी जॉब पर चले जाते हैं और घर में बस दिन भर मेड रहती है।
वो लिखते हैं कि किवू के डैड अपनी जान को जोखिम में डालकर खाना चुराने ऊपर जाते हैं। इसके अलावा किवू के डैड उसे लेटर में बताते हैं कि उन्होंने उस पुरानी मैट की डेड बॉडी को घर के बाहर दफना दिया है। अब ये सब पढ़ने के बाद किवू भी अपने डैड के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने डैड से कहता है कि अब से वो अच्छी जॉब करेगा और खूब पैसे कमाएगा, जिसके बाद एक दिन वो उसी घर को खरीद लेगा और उसके डैड को बस बंकर से बाहर निकलकर ऊपर आना होगा। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी पैरासाइट मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।